माता रानी, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मेरा बदला आपकी अखंड जोड़ से कहीं ज्यादा बढ़कर है। सबसे समझदार हूँ मैं एक भाभी, सबसे पहले तुम ही से निपटना है मुझे। प्लान का पार्ट भी कंप्लीट। अंजलि, ये क्या कर रही थी? माँ अखंड ज्योत, हाँ अखंड ज्योत बुझ गई थी और तू उसे जलाने वाली थी। महक, ये तेरी जिम्मेदारी थी ना, तो क्यों पूछने दी जोत? अगर तू ये जिम्मेदारी ले नहीं सकती थी तो अपने सर पे ली क्यों ये बात? अच्छा बनने के लिए? माँ, भाभी ने जान के थोड़ी किया ये, और मैं सोने से पहले यहाँ पर आई थी। भाभी ने बहुत मेहनत की जागने के लिए, लेकिन उनसे शायद हो नहीं पाए। माँ, भाभी के लिए भी तो मुश्किल था ना, लेकिन उन्होंने हमारे लिए किया। क्या किया? हाँ, क्या किया इसने? जोत को बुझने दिया इसने? अरे मेरी मन्नत को बर्बाद कर दिया। ये कोई मामूली बात नहीं है। अगर इसके बस में नहीं था तो कह दिया होता मुझसे। मेरी गलती है जो महक के ऊपर ज्यादा ही उम्मीद लगाकर बैठी थी मैं। माँ, महक, अगर अंजलि को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदार कौन है बोलो? अरे ये काम मैं खुद कर लेती अगर तूने अपना बड़प्पन दिखाने के लिए अपनी टांग ना अड़ाई होती तो। लेकिन तुझे क्या? बोल ना आप, तुझे क्या? तुम्हें थोड़ी भुगतना है कुछ। भुगतना तो मुझे और मेरी बच्ची को है ना। कि तुमने बहुत गलत किया, मैं बहुत ज्यादा गलत किया। माँ प्लीज, आप अपनी तबीयत खराब मत कीजिए। तो क्या हो गया अगर जोत बुझ गई तो? आप मुझे देखिए, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक। कुछ नहीं हुआ का क्या मतलब है? कुछ हो तो सकता है ना, अगर तुझे कुछ हो गया तो? पता ये मैं क्या करेगी? हे माता रानी करके सिर्फ इधर उधर भटकेगी। कि कोई बच्ची तो नहीं है जो इसकी गलती से आंख लग गई? असल बात तो ये है कि इसे हमारी फिक्र ही नहीं है, कि सिर्फ दिखावा करती है। और आज इसका सच हमारे सामने आ गया है। माँ भी कैसी बातें कर रही है? चुप कर तू मैं। मेरे और शौर्य के सिवा यहाँ किसी को अंजलि की फिक्र ही नहीं है, चाहे वो जिए या मरे। अरे मुझे डर था कि कहीं कोई अपशगुन ना हो जाए, इसलिए मैं खुद ये जोत जलाए रखना चाहती थी। अगर तूने मुझे यकीन दिलाया कि तू इस जोत को जलाए रखेगी, मगर तूने मेरा भरोसा तोड़ा है। मैं शर्मानी चाहिए तुझे, मैं तेरी मन्नत को तूने मजाक समझा? अखंड जोत कैसे जलानी है महक बहू को पता है, और ये बात हम कभी नहीं मान सकते कि बहू ने जो जानबूझ के किया है। चुप कर डाली, मैं महक से बात कर रही हूँ। चाहे गलती से ही सही, पर हुआ तो इससे ये पता चलता है कि महक को अंजलि की सेहत की परवाह ही नहीं है। क्या हुआ? माँ, मुझे नहीं पता मैं कैसे सोऊंगी।
तेल भी पूरा भरा हुआ था जोत का। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। बस रहने दो महक, हमारे माफीनामे से कुछ नहीं होगा। दीदी अंजलि पर जो खतरा मंडरा रहा है वो नहीं टलेगा। जी जी जी, तो जाती है, गलती तो किसी से भी हो सकती है। अरे जी जी सुनो तो। माँ आपको तो पता है ना कि मुझसे गलती हो गई। शौर्य प्लीज मेरी बात तो सुनो। शौर्य तुम्हें तो मुझ पर ट्रस्ट है ना कि मैंने ऐसा कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। जानता हूं, लेकिन किसी ने फोर्स भी तो नहीं किया था ना। अगर रात को नहीं जग सकती थी तो क्यों सबके सामने बोला कि मैं मैनेज कर लूंगी। मैंने तुमसे पूछा भी था महक, लेकिन नहीं शौर्य, मुझे रात को नींद नहीं आती। तो कितना इंपॉर्टेंट था मां के लिए यार। मां कितनी परेशान है, तुम क्यों इतना काम में सर पे ले लेती हो जब तुम संभाल नहीं पाती हो। अंजलि को लेकर मां वैसे भी कितनी परेशान रहती है। अंजलि की खुशी के लिए मां ने अखंड जो जलाई थी, अब देखो सारे परेशान हो गए। प्लीज कुछ खा लीजिए, आप हमेशा ऐसे भूखी नहीं रह सकते, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। माँ भाभी की कोई गलती नहीं है, प्लीज भाभी को माफ कर दीजिए। जो हो गया सो हो गया ना, तू भाभी की तरफदारी मत कर। मैंने तुझसे कहा ना मैं महक को माफ नहीं करूंगी। माँ एक काम कीजिए, आप मेरे लिए कोई मन्नत फिर से मांग लीजिएगा, वो पूरी हो जाएगी। अभी जो हो गया सो हो गया ना, जाने दीजिए प्लीज। अंजलि, अंजलि देखो जो कुछ भी हुआ ना उसके लिए सॉरी। मैं मानता हूं महक की गलती थी, उसने बहुत ही केयरलेस हरकत करी है, लेकिन मैं उसकी हरकत सुधारना चाहता हूँ, उसकी गलती सुधारना चाहता हूँ। तुम बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। भाई आप ये क्या कह रहे हैं, आप मुझे इस घर में लेकर आए, इतना प्यार दिया, इतनी रिस्पेक्ट दिया, मुझे एक नई फैमिली मिली है, मुझे इससे ज्यादा क्या चाहिए। रुको, मैं बताती हूँ अंजलि को क्या चाहिए। और जो अंजलि को चाहिए अगर वो उसे मिल गया तो उसकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। और अब पड़ेगा लास्ट बॉल पे सिक्सर। ये कमरा अंजलि के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा, बाहर से ठंडी ठंडी हवा आती रहेगी, वो सुबह सुबह योगा भी कर सकते हैं यहाँ पर, उसकी सेहत भी इम्प्रूव होगी यहाँ पर। पता है अंजलि ने बालकनी वाला रूम कभी देखा ही नहीं था, जब उसने कमरा देखा ना बहुत खुश हो गई थी वो। आई थिंक अंजलि को ये कमरा दे देना चाहिए। हाँ माँ बिल्कुल, अगर इस कमरे में रहकर अंजलि की हेल्थ इंप्रूव होती है तो क्यों नहीं, बिल्कुल दे दीजिए उसको। और सुनो ये गद्दा भी यहाँ से हटाओ, अंजलि के लिए मैं नया अच्छा गद्दा लेकर आऊंगी। शौर्य अंजलि को इस कमरे में जल्दी से जल्दी शिफ्ट हो जाना चाहिए, आई थिंक यही ठीक रहेगा। अब सही कह रहे हो, अंजलि को शिफ्ट हो जाना चाहिए। भाई आप कैसी बातें कर रहे हो, वैसे भी आपका कमरा है और
मैं इतने बड़े कमरे में क्या करूंगी? क्या करेगी मतलब? अरे यहाँ रहेगी, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करेगी और क्या। माँ प्लीज। तू चुप रह, मुझे पता है कि क्या करना है। सुनो, इधर आओ। साफ कर दो, अंजलि को चुप ना जाए। आज रूम से निकाला है, कल घर से निकालूंगी। 10 दिन, 10 दिन में दुनिया पलट जाएगी तुम लोगों की। हम तुम्हारी कोई मदद कर दें? बहू, आंख में कितने भी आंसू छुपा लो, चेहरे पे कैसी भी झूठी मुस्कान सींच लो, तो हमको पता है अंदर से तुम टूट रही हो। कोई आकर हमारी जगह छीन ले तो दिल दुखना तो लाजमी है। नहीं मासी, ऐसा कुछ भी नहीं है, और मेरी जगह कोई नहीं ले सकता, क्योंकि सबकी एक अपनी अपनी जगह होती है। और वैसे भी जानती हूँ सबने मुझे गलत समझा, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ। मैं तो खुद अंजलि का भला चाहती हूँ। मैं ही तो इस घर में लाई थी अंजलि को। कोई नहीं, एक ना एक दिन माँ भी बात ही समझ जाएगी। ऐसी गुणवंती बहू, प्यार करने वाली बीवी, जान छिड़कने वाली भाभी, अरे बड़ी मुश्किल से मिलती है। पर इस घर की बदकिस्मती है कि किसी को जो बात समझ ही नहीं आ रही। नहीं मासी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझमें कोई कमियां रह गई होंगी जो मुझे दिख नहीं रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने अंदर की सारी कमियों को एक ना एक दिन खत्म कर दूंगी, और जल्द से जल्द माँ को भी मना लूंगी। लल्ला, तुमने हमारा बहुत दिल दुखाया है। अरे महक बहू ने ऐसी भी कोई गलती नहीं कर दी थी कि तुम उस पर इतना गरज बरस रहे थे। गलती हुई थी ना, पाप तो नहीं किया था। मासी जाने दीजिए ना अब ये सब बातों को, क्या रखा है। सॉरी महक, मैंने तुमसे ठीक से बात नहीं करी, मुझे माफ कर दो। देखो मैं गुस्से में बिना सोचे समझे ना कुछ ज्यादा भूल जाता हूँ, लेकिन मेरा इरादा गलत नहीं होता, ये तुम भी जानते हो। I'm sorry if I hurt you। देखो अंजलि के साथ बार बार कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से माँ अपसेट हो जाती है, और जब माँ को अपसेट देखता हूँ तो बस अपना आपा को पीटता हूँ। लल्ला, अब अगर तुमने बहू को दुखी किया ना तो अच्छा नहीं होगा। जाने दीजिए ना, जो हो गया सो हो गया। थैंक्स मैक, मेरी गलती समझने के लिए।
घर तो वो है बच्चों जहाँ परिवार है, वरना तो मकान है, और सबसे जरूरी है हम सबका साथ होना। बस जे परिवार ना ऐसे ही साथ बना रहे। तेरा बाथरूम भी अच्छे से सजा दिया, शावर जेल, शैम्पू, कंडीशनर सब रख दिया। देख कैसा लग रहा है। अच्छा आ, बैठ। अंजलि बेटा क्या बात है, ये कमरा तो तेरी पसंद का है पर तू खुश नहीं नजर आ रही। माँ मैं खुश हूँ, पर बात कमरे की नहीं है, बात भैया भाभी की। भाभी जब से शादी करके आई है वो इसी कमरे में रही है, ये उनका कमरा है। आपने बहुत गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत गलत बात है। कुछ गलत नहीं किया, ऐसा कमरा तूने कभी नहीं देखा था बेटा, और सेहत के हिसाब से भी ये कमरा तेरे लिए ज्यादा जरूरी है। महक और शौर्य खुद इस कमरे से गए हैं, जब उन्हें कोई दिक्कत नहीं है तो तुझे क्या प्रॉब्लम है। वैसे भी अफसोस तो महक को होना चाहिए, अखंड ज्योत को उसने बुझने दिया। तू अपना मूड ठीक कर और खुश हो जा, एक सरप्राइज और है तेरे लिए अभी। क्या लाती हूँ ये देख। ये क्या है माँ, खोल के देख क्या है। हाँ बहुत सुंदर है, मैं इसे वहां लगा देती हूँ। सुन मैं सीपी जा रही हूँ शॉपिंग के लिए, चलेगी मेरे साथ या हैप्पी होम ड्रॉप कर दूँ। नहीं माँ आप जाइए, मैं थोड़ी देर में हैप्पी होम खुद चली जाऊंगी। खाना खा लेना अच्छे से। मक्का खा लूंगी। बाय बाय बाय। हाय सूरज बेबी। अच्छा सुनो, आज मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाऊंगी, थोड़ा सा काम पड़ गया, पर मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी एंड आई लव यू। बाय। मैम एक मिनट। एक्सक्यूज मी, ये अंजलि मैं अभी आती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो अंजलि? वो तो हैप्पी होम जाने वाली थी ना, फिर यहाँ इन लोगों के बीच में सड़क पर खड़े होके क्या कर रही है बेटा तू? माँ मैं ये काम आपको बता के करना चाहती थी, लेकिन मुझे पता था आप परमिशन नहीं देंगे, इसलिए बिना बताया गए। एक्चुअली मैं कुछ पैसे इकट्ठा करना चाहती हूँ। देखिए माँ प्लीज़ आप मुझे रोकेंगी नहीं, मैं ऑलरेडी बहुत गिल्ट में हूँ, भाभी के साथ जो कुछ भी हो रहा है सब मेरी वजह से हो रहा है, इसलिए मैं कुछ पैसे इकट्ठे करके उन्हें एक गिफ्ट प्रेजेंट करना चाहती हूँ। प्लीज़ बेटा ये सब बंद कर और घर चल। बेटा मैंने जो कुछ भी किया ना तेरे लिए किया, मैंने तेरी सेहत को ध्यान में रखते हुए किया। अंजलि बेटा मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज घर चल। बेटा मैं महक से भी माफी मांग लूंगी, मगर ये सब मत कर, प्लीज घर चल बेटा प्लीज। अच्छा आप चलिए मैं आती हूँ। अंजलि चलो। शौर्य क्या हो तुम्हें? तुम आज ऑफिस नहीं जा सकते,
क्या हो? चलो मेरे साथ, मैं बताती हूँ। मेरे दिमाग में कुछ आया है।